नमस्कार दोस्तों, तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा देश जड़ी बूटियों का देश है। यहां पर तरह तरह की जड़ी बूटियां और वनस्पतियां पाई जाती हैं, लेकिन आजकल के लोगों को जानकारी नहीं होती और वो इन पेड़ पौधों को, इन वनस्पतियों को, इन जड़ी बूटियों को खर पतवार समझते हैं, घास फूस समझते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन वनस्पतियों में, इन पौधों में इतनी ताकत होती है, इतनी क्षमता होती है कि यह आपको बहुत सारे रोगों से बचा सकती है, बहुत सारे बीमारियों का निदान होता है और यह आपके हजारों रुपयों को बचा सकती है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ प्रयोग बताऊंगा, कुछ नेचुरल घरेलू नुस्खे बताऊंगा, जिसके इस्तेमाल से पहली चीज, अगर आपके बाल टूटते हैं, बाल झड़ते हैं, तो बालों को टूटने से, झड़ने से बचाने का मैं आप लोगों को रेमेडी बताऊंगा। गंजापन, आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल बहुत सारे लोगों के बाल झड़ने लगते हैं और लोग गंजेपन का शिकार होने लगते हैं, तो गंजेपन से कैसे आप बच पाएंगे ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही साथ जिन लोगों के चेहरे के ऊपर दाग धब्बे हैं, एंकर एक्ने हैं या पिंपल्स हैं, उनको भी खत्म करने का उपाय बताऊंगा, चेहरे को साफ करने का तरीका बताऊंगा और साथ ही साथ पेट के लिए भी मैं आप लोगों को एक ज़बरदस्त उपचार बताऊंगा। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंतिम तक देखिएगा, इसे इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से यह नुस्खा मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, आप लोग खुद कमेंट करके बताएंगे, यह मेरा विश्वास है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके बाल झड़ते हैं, टूटते हैं, तो उन्हें मजबूत कैसे किया जाए। तो दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन के ऊपर पौधा देख रहे हैं, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं कैस्टर प्लांट, कैस्टर ऑयल प्लांट। तो ये पेड़ है, इसमें फल होते हैं और इन फल के अंदर बीज होते हैं, जिन बीजों से हमें एक तेल मिलता है और इसे हम कैस्टर ऑयल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अरंडी का तेल, यह अरंडी का पौधा है, इसके फल के अंदर अरंडी के बीज पाए जाते हैं और उन बीजों में से कैस्टर ऑयल निकाला जाता है। तो बालों को झड़ने से रोकने के लिए आप क्या करें दोस्तों, कि आप आधा चम्मच कैस्टर ऑयल लें और आधा चम्मच आलमंड ऑयल लें, ठीक है, उन दोनों को मिक्स करके आप बालों में रात में लगा लें, सो जाएं, सुबह धो लें, हर दिन प्रयोग करें, यह आपके बालों को झड़ने से रोकेगा और बालों को मजबूत घना करेगा। अब गंजेपन के लिए भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जिन लोगों को एक्ने और पिंपल्स होते हैं या चेहरे पर दाग धब्बे होते हैं और वो उनको दूर करना चाहते हैं, लड़के लड़कियां दोनों के लिए है, तो उनके लिए क्या करना होगा कि ये जो कैस्टर ऑयल होता है दोस्तों, इसके अंदर मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है, जो एक नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम करता है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, आप लगभग 4 से 5 बूंद ओलिव ऑयल, 4 to 5 ड्रॉप्स ऑफ ओलिव ऑयल, 4 से 5 बूंद कोकोनट ऑयल और 4 से 5 बूंद ड्रॉप्स कैस्टर ऑयल को लेकर के आपस में मिक्स करके इसे चेहरे पर आप लोग लगा लीजिएगा, रात में, दिन में धो लीजिएगा, हर दिन इसका प्रयोग कीजिएगा, यह आपके पुराने से पुराने एक्ने, पिंपल्स के दाग मिटाकर आपके चेहरे को साफ करेगा। दोस्तों, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, जिनको कब्ज की शिकायत रहती है, तो उन लोगों को क्या करना है कि आप आधा चम्मच कैस्टर ऑयल का सेवन करें खाना खाने के बाद, आधा चम्मच कैस्टर ऑयल का सेवन करें आप, इससे आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है वो खत्म हो जाएगी और आपका डाइजेशन भी इससे स्ट्रांग होगा। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूं कि गंजापन के लिए क्या करें, कैसे अपने बालों को झड़ने से रोकें। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को फ़ायदा मिलता रहे। तो दोस्तों, गंजेपन को रोकने के लिए आपको क्या करना है, आप कलौंजी का तेल लें, ठीक है दोस्तों, कलौंजी का तेल आधा चम्मच, आप मार्केट में जाइए, आप कहिएगा कलौंजी का तेल, आपको मार्केट में मिल जाएगा, आधा चम्मच लें, और आधा चम्मच आप कैस्टर ऑयल अरंडी का तेल लें, ये भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। इन दोनों को मिक्स करके, बिल्कुल अच्छे से मिक्स करके, आप इसे अपने बालों की जड़ों पर उंगलियों से अच्छे से मालिश करें हर दिन रात में, और
इसे आप लोग सुबह धो लें, रात में बालों पर लगाकर रखें। कलौंजी का तेल और कैस्टर ऑयल को आधा आधा चम्मच लेकर मिक्स करके आप इसे बालों पर उंगलियों से पहले जड़ों पर मालिश करके लगाएं, पूरे बालों पूरे बाल पर लगा लें। हर दिन इसका प्रयोग करें, आप पाएंगे दोस्तों यह आपको गंजा होने से बचाएगा और गंजेपन से आपको छुटकारा दिलाने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।